सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार लाइब्रेरियन न्यू वैकेंसी 2024, बिहार लाइब्रेरियन के 10,000 पदों पर बहाली आ गई है। जानिए जानिए आवेदन, उम्र सीमा, सिलेबस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी जानकारी, इस साल ये बहाली आएगी या नहीं। 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर एक दशक से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं, तो हर चीज दिया गया है। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो बिहार लाइब्रेरियन की बहाली कब आ रही है और कितने पदों पर ये बहाली निकल के आ रही है, और आज के पेपर में बिहार लाइब्रेरियन बहाली को लेकर क्या आर्टिकल दिया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं 15 सालों से बिहार में सिर्फ और सिर्फ पेपर में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है, धरातल पर आपको देखने को नहीं मिली है। हम आपको पहले भी बताए थे, अभी विधानसभा सत्र चल रही है, शीतकालीन सत्र, उसमें कल सवाल जवाब हुआ है, उसपे क्या जवाब आया है, आखिर बहाली कब तक आ रही है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 15 सालों से बिहार में बिहार लाइब्रेरियन बहाली आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये आज के न्यूज़पेपर है, वो भी हिंदुस्तान के। अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं देखे तो एक बार न्यूज़पेपर आप लोग देख लीजिए। 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर एक दशक से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं। अरे एक चीज लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं, राज्य के विद्यालयों में पहले चरण की परीक्षा के बाद 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरे चरण में एक बार फिर 1,20,000 से अधिक पदों के लिए बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगी। शिक्षकों का आमंत्रण उत्क्रमित विद्यालयों में किया जा रहा, पर एक दशक से अधिक समय से विद्यालयों में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है। सरकार की ओर से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक लाइब्रेरियन बहाली के लिए कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जबकि राज्य के विद्यालयों और महाविद्यालयों में हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं। इधर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लाइब्रेरियन बहाली की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इसे लेकर कई संगठनों की ओर से आंदोलन किया गया है। विधान सभा सत्र के दौरान लगातार लाइब्रेरियन नियुक्ति के लिए आंदोलन हुआ है। वहीं आईटीई और पॉलिटेक्निक, मतलब यहाँ पर आईटीआई हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में कई बार लाइब्रेरियन की नियुक्ति की बात मंत्री की ओर से कही गई, पर अब तक कुछ नहीं हो सका है। संगठनों की ओर से कई बार बिहार लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2023 जारी करने और लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। वही शिक्षा विभाग ने पहले ही कहा है कि 6421 नव स्थापित एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद सृजन की कार्रवाई चल रही है। वही शिक्षा विभाग द्वारा 27 फरवरी 2023 के अनुसार राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के 2789 पद स्वीकृत है। इसके विरोध में रिक्त पद 893 पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पद का सृजन वर्ष 2007 में हुआ था। इस पद पर नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2008 में हुई, जो वर्ष 2019 में पूर्ण हो सका। बिहार लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने कहा है कि विधानसभा सत्र को दौरान आंदोलन चलाया गया ताकि सरकार को ध्यान जाए। सरकार का ध्यान लाइब्रेरियन बहाली पर नहीं है, सिर्फ लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया नियमावली बनाने के नाम पर लगभग 4 वर्षों से अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो लाइब्रेरी अभ्यर्थी आंदोलन करेगा या आंदोलन होगा, ठीक है। तो ये स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हैं आपके सामने में हर चीज है। 2421 नवस्थापित एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के सृजित पद होंगे जारी। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2023 के जारी करने की मांग। तो दोस्तों आप देख रहे हैं लगातार, आप इसमें पूरा लिखा हुआ है। अगर आप पेपर आज का नहीं देखे तो आज का पेपर आप देख सकते हैं, जो जो इसमें लिखा हुआ था हम आपको पढ़ के सुना दिए, समझे कि नहीं। देखिए अभी विधानसभा सत्र चल रही, हम आपको पहले ही बताए जो 25 से लेके 29 तक विधानसभा सत्र चलेगी। अगर अभी लाइब्रेरियन की मांग अगर आप लोग नहीं उठाए विधानसभा सत्र में, अगर बिहार लाइब्रेरियन की मांग नहीं उठ पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर आपको इस बार बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएगी, फिर आपको 5 साल बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए सभी स्टूडेंट को आगे आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे संगठन जो है ना
अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं जो बिहार इलेवन की बहाली कब आएगी, बिहार इलेवन की बहाली कब आएगी, समझे कि नहीं। उसके बावजूद भी सभी स्टूडेंट को एक्टिव होना पड़ेगा, बार बार मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है, बार बार हम आपको बताते हैं सभी लोग को एक्टिव होना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, तभी जाके संभव है बिहार में बिहार इलेवन की बहाली आपको देखने को मिलेगी। नहीं तो बिहार में बिहार इलेवन की बहाली आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 2008 से बाद 2008 के बाद अभी तक 2024 हम लोग इन की ओर चल रहे हैं और अभी तक कोई बहाली आई है? सिर्फ और सिर्फ पेपर में बिहार इलेवन की बहाली आती है और आज फिर पेपर में आया। अब देखिएगा विधान जो विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा फिर आपको जो है 5 साल फिर बिहार इलेवन की बहाली देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए अभी आपके पास समय है, 29 तक विधानसभा सत्र चलेगी, तो इसीलिए सभी लोग थोड़ा सा एक्टिव मूड में अगर आ जाएंगे, अभी अगर प्रोटेस्ट करेंगे, अभी ट्विटर कैंपेन करेंगे, तो अभी सरकार को इस पर ध्यान आएगा, सरकार इस पर फोकस करेगा, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप झेल रहे हैं 2008 से अभी तक झेले हैं, फिर 5 साल आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और जो भी संगठन एक्टिव है उस संगठन के साथ मिलके अगर प्रोटेस्ट पे अगर करना है, प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट भी आपको करना पड़ेगा, अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये आप भी जान रहे हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि अगर बिहार इलेवन बहाली आपको चाहिए तो बाबू प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप देख ही रहे हैं 2008 से 2024 आ चुकी है, 2024 भी अभी हम लोग इन की ओर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एक महीना बचा हुआ है। अगर अभी आप लोग नहीं आवाज उठाए तो फिर 5 साल आपको इलेवन की बहाली देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाले थे, आप लोग थोड़ा सा जोर शोर लगाइए, प्रोटेस्ट अगर करना है जो जो संगठन एक्टिव है उस संगठन से बातचीत कीजिए, संगठन को कहिए, ठीक है, फिजिकली प्रोटेस्ट करने के लिए, डिजिटली प्रोटेस्ट करने के लिए, तभी जाके संभव है, अदरवाइज आपको फिर से बहाली देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप हमारे साथ है या नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा लगातार आवाज उठाया जा रहा है, आप देख ही रहे और लगातार हम वीडियो बनाकर अपडेट करिए रहे, फिर भी आपको बिहार में बिहार इलेवन की बहाली के बारे में सिर्फ और सिर्फ पेपर में आपको हर एक सप्ताह, हर दो सप्ताह, हर 15 दिन पे आपको पेपर में देखने को मिलेगी, बट आपको धरातल पर बहाली नहीं आ रही। इसका रीजन यही है जो बच्चे लोग एक्टिव नहीं है, बच्चे लोग अगर एक्टिव रहते हैं तो बहाली आ जाता, समझे। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि बच्चे एक्टिव हो और एक्टिव होके अगर काम अभी करेंगे तो काम बनेगी, अगर अभी काम नहीं करेंगे एक्टिव होके तो फिर संभव नहीं है, बिहार में बिहार इलेवन की बहाली आपको देखने को मिल सकती है। जितना हो सके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए। थैंक यू।